लोग अपनी ही उठापटक में फंसे रह गए हैं, और वहां देखिए गुजरात में जब आम आदमी पार्टी जाती है तो बोलती है कि कौन कांग्रेस, कंपटीशन तो बीजेपी का हमसे है और किसी का नहीं। मुझे हंसी आती है, और हंसी इसलिए आती है कि बेचारे अरविंद केजरीवाल जी ने एक बड़ा इवेंट किया, बेचारे खाना वाना खाने भी चले गए, खाकी वर्दी भी पहना दी ऑटो वालों को, और उस ऑटो वाले ने पलट के बोल दिया नहीं मुझे तो यूनियन ने कहा था इसलिए घर बुला लिया, मैं तो भाजपा का सदस्य हूं। तो अरविंद केजरीवाल जी पहले दो बातों का जवाब दें, स्कूल कॉलेज शिक्षा स्वास्थ्य, मुझे लगता है इस पर हम सबका मत एक है, बिल्कुल ये प्रायोरिटी होनी चाहिए। कंटेंशियस इश्यूज पर आपका क्या मत है? प्रधानमंत्री भी गुजरात गए सुई पटक सन्नाटा 11 बलात्कारियों की रिहाई पर, अरविंद केजरीवाल भी हर हफ्ते में दो बार जा रहे हैं, एक शब्द नहीं बोलते हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, जब दिल्ली में दंगे होते हैं तो चुपचाप जाके राजघाट पे बैठ जाते हैं और अदरवाइज महात्मा गांधी की फोटो अपने ऑफिस से निकालकर फेंक देते हैं। जिस दिन ये देश समझ जाएगा कि गांधी सरकारी दफ्तरों में लटकने वाली तस्वीर नहीं है, सिद्धांत है, विचार है, उस दिन अरविंद केजरीवाल जी जैसे लोग राजनीति छोड़कर कुछ भला लेकिन करेंगे। जिस पर आप हंस रही थी उसी ने पंजाब से उखाड़ फेंका है आपको, दो राज्य आपके पास जहां पर आप पूर्ण बहुमत की सरकार में, और दो राज्य आम आदमी पार्टी के पास, वो कह रहे हैं कि अब हमसे मुकाबला है मोदी का। अब देखिए कहने को तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने और मुगालते कोई भी कह ले, नंबर ऑफ एमएलए वर्सेज नंबर ऑफ एमएलए हमारे पूरे देश में, वो लोग कहां कहां है, हम कितने राज्यों में है, उनके कितने एमपीज हैं, भाई उन्होंने तो 2019 से पहले तो सरकार बनाई थी और 2019 चुनाव में उनके कितना परसेंट वोट आया था ये सबको पता है, 20 लाख कम से कम वोट आए थे पूरे देश में। मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी को सत्ता अच्छी लगती है और इसमें मुझे उनसे कोई अपेक्षा नहीं है, जिस तरह से वो सत्ता में आए, उनका जन्म, उनकी विचारधारा, उनकी पॉलिसीज और अब उनकी नौटंकी पर भी बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन आज देश ये जानना चाहता है कि अरविंद केजरीवाल जी की विचारधारा क्या है, क्योंकि सुधांशु जी और मेरी विचारधारा में बिल्कुल अंतर है, हम बिल्कुल दो विशुद्ध विचारधाराओं के लोग हैं। अरविंद केजरीवाल जी कब तक इनकी बी टीम बनकर और कब तक छोटा रिचार्ज बनकर चलते रहेंगे, ये सवाल पूछना जरूरी है। ये पहले तो मैं कहना चाहूंगा किसी भी प्रकार की कोई फोटो दिखाने से पहले विद सोर्स बात करनी चाहिए अथवा उसकी एथेंटिसिटी पे ध्यान रखना चाहिए। मैं आप लोगों पे छोड़ता हूं कि चैनल उसकी एथेंटिसिटी को सब्सक्राइब करता है कि नहीं, ये किसकी है, क्या है, रियल है, वो अलग बात। दूसरा, आपने कहा गांधी जी पर, तो मैं दो तीन बातें जरूर कहना चाहता हूं। महात्मा गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को ही, उससे पहले 13 दिन पहले भी अटेम्प्ट हुआ था, मदन लाल पाहवा गिरफ्तार हुआ था, उसने नाथूराम गोडसे का नाम लिया था, और मोरारजी देसाई जो उस समय होम मिनिस्टर थे बॉम्बे प्रेसिडेंसी के, ऐसा क्यों है कि आरएसएस के ही एक व्यक्ति ने गांधी को मारा? पूरी बात तो ये पूछना चाह रही हूं, पूरी बात सुनिए, क्या सिखाते हैं आप? देखिए फिर आपने कहा था कि आप बीच में बोलिए, जितना मैंने बीच में बोला था उतना मैंने बोल दिया, आपने बोल लिया, आप मैं बताता, अब मैं चुप रहूंगी। तो चिट्ठी लिखी होम मिनिस्टर ने केंद्र को कि क्यों इसको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है नाथूराम गोडसे को, उस पर कोई जवाब नहीं दिया गया। अब सुनिए, उसके बाद मैं पूछता हूं कितनी सिक्योरिटी दी गई गांधी जी को उस समय, जबकि देश में क्या भयानक माहौल था और देश के सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति, और नाथूराम गोडसे का बयान है अदालत में कि मैंने दो गोली चलाई। अब सुनिए, वहां पर दो पत्रकार थे, एक द हिंदू का और एक न्यूयॉर्क टाइम्स का, दोनों ने कहा 4 गोली चली, पुलिस ने अपनी FIR में लिखा 3 गोली चली, कितनी गोली चली यही तो बता दो भाई, न सिक्योरिटी का पता, उसको छोड़ पहले दिया गया, उसके बाद गोली चली ये नहीं पता। अब हम ये कहें कि गांधी जी की मृत्यु के बाद संघ को फायदा हुआ या नुकसान हुआ, एक संघी नहीं गांधी को क्यों मारा, संघी नहीं क्यों मारा गांधी, संघ को फायदा हुआ या नुकसान हुआ, पहचान को खत्म करने वाला चाहिए, एक सेकंड में बताइए, नहीं गांधी के नाम संघ को तो नुकसान हुआ, हाँ आवेश में आए तो बताइए ना कितनी सिक्योरिटी थी, नाथूराम गोडसे को क्यों गिरफ्तार नहीं किया गया, आपकी सांसद कैसे हैं इस बात का जवाब दीजिए, आप भी सांसद हैं वो भी सांसद, मैं इसलिए आवेश महात्मा गांधी के नाम पर है कि होम मिनिस्टर के लिखित बयान के बाद उसे गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया, होम मिनिस्टर के लिखित बयान के बाद वहां सिक्योरिटी क्यों नहीं दी गई, और पुलिस के बयान और खुद जिसने गोली मारी उसके बयान में अंतर होने के बावजूद आज तक इसका वेरिफिकेशन नहीं हो। तीसरी बात, प्रत्यक्षदर्शियों ने एक मिनट मैं जो बात कर, और सुनिए, गांधी जी को गोली लगने के बाद वो 40 मिनट तक जीवित रहे, आज पता कर लीजिए बिरला मंदिर से और ये जो लोहिया हॉस्पिटल इसको वेलिंगटन कहते थे उस जमाने में, सुनिए 7-8 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए था, संघ की उनको क्यों नहीं अस्पताल ले जाया गया। अब एक और मैं बात कहता हूँ, वो नहीं बीच में नहीं बोला, मैं तो सिर्फ मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, मैं दर्शकों पर छोड़ रहा हूँ, हुआ द बिगेस्ट बेनिफिशियरी आउट ऑफ दैट।